देश की राजधानी दिल्ली से जहां बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया, पाक के विदेश मंत्री के बयान के खिलाफ ये प्रदर्शन है। पाक उच्चायोग के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान का जमकर विरोध यहां पर बीजेपी की तरफ से किया गया। बिलावल भुट्टो के बयान का विरोध यहां पर किया गया। तो बिलावल भुट्टो की ओर से जिस तरीके से कश्मीर राग लापा गया, जिस तरीके से उनका उन्होंने बयान दिया, उसको लेकर अब पाक उच्चायोग के बाहर बीजेपी के नेता ये प्रदर्शन करने पहुंचे, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पाक के विदेश मंत्री के बयान का यहाँ पर विरोध करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता दिखाई दिए। मेरे सहयोगी प्रियंका जुड़ रही है, उनका हम रुख करते हैं। प्रियंका, विरोध प्रदर्शन अभी भी चल रहा है क्या? जी बिल्कुल, मैं सीधे तस्वीरें देखिए आपको दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, वो तमाम यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। और साफ तौर पर जिस तरीके की अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है, कश्मीर का राग अलापा गया है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और साफ तौर पर इनका ये भी कहना है कि आज की तारीख को बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आज 16 दिसंबर की तारीख है। आज के दिन को देश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो विजय दिवस जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। और अगर इस तरीके की बात अभी भी पाकिस्तान कर रहा है तो कड़ा संदेश देने की कोशिश यहाँ से की जा रही है। ये देखिए आप, पाकिस्तान एम्बेसी के बिल्कुल बाहर ये गोल चक्कर के पास ये तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं। मैं आगे भी आपको जरा तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से बिलावल भुट्टो का ये एक पूरा पुतला तैयार किया गया है यहाँ पर। हमारे साथ विक्रम मित्तल भी है। क्या पहले तो क्या कारण है इस प्रोटेस्ट का? जो बिलावल भुट्टो ने जो हमारे प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे हैं और जो वो कही, हम चाहते हैं वो माफी मांगे, वापस ले। सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री रहे आज तक पूरे देश में, सब उनकी इतनी इज्जत करते हैं। वी वांट हिम टू टेक हिज वर्ड्स बैक और हम तुरंत माफी मांगे। ये पुतला भी आप लोग लेकर आए हैं? ये पुतला हम लेके आए हैं अपना रोष प्रकट करने के लिए। जो बिलावल भुट्टो ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा है, हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान को यूएनएससी से निकालना चाहिए, यूएनएससी से पाकिस्तान को निकाला जाए, जिस तरीके का रोष। और यहाँ आप देखिए, जहाँ तक आपको नजर आएंगे ये प्रोटेस्टर्स ही प्रोटेस्टर्स नजर आ रहे हैं, प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। बैरिकेड लगाकर यहाँ पर और रोकने की कोशिश प्रदर्शनकारियों को की गई है। तो तमाम लोग यही इकट्ठा होकर प्रदर्शन फिलहाल करेंगे। तस्वीरें सीधा आपको दिखा रहे हैं जहाँ पुलिस ने बैरिकेड कर रखा है। पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर जाने का प्लान बीजेपी का था, लेकिन यहीं पर इन्हें रोक लिया गया है। आप देखिए उस तरफ सिक्योरिटी पूरी लगाई गई है ताकि इसे क्रॉस ना किया जाए। लेकिन साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि कड़ा संदेश देना जरूरी है, माफी मांगनी होगी पाकिस्तान को अपने इस बयान पर। मैं फिर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहां से लेकर पीछे डोल चक्कर तक लगातार इस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है। साफ तौर पर प्रोटेस्टर्स जो है, प्रदर्शनकारी जो है, उनका कहना है कि अपने प्रधानमंत्री के लिए ऐसी अमर्यादित भाषा। और साफ तौर पर जो कश्मीर राग लगातार अलापता रहा है पाकिस्तान, उसके खिलाफ यहाँ आप देखें, आपको मैं एक बार फिर तस्वीर देखो, अलग अलग मोर्चों से जुड़े लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा है जो लगातार यहाँ पर फिलहाल बात भी करें, इनकी बात भी सुनाते हैं आपको। आज विजय दिवस है, आज का दिन उनको हमेशा अपमान की याद दिलाता है, उसे ध्यान रखने के लिए बकवास की है। जुएल सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को नंगा किया है, अपनी चीज छुपाने के लिए उसने इस तरह की बकवास की है। बिलावल भुट्टो को माफी मांगनी पड़ेगी। साफ तौर पर देखा आपने वीरेंद्र सचदेवा जो कार्यकारी अध्यक्ष, उनका कहना है कि माफी तो पाकिस्तान को मांगनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से पीएम का अपमान यहाँ पर किया गया। मैं आपको बीच में तस्वीरें दिखाऊं तो तमाम लोग यहाँ पर आए, क्या कह रहे थे, किस लिए आए? हम यहाँ पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं और यहाँ पे पूरा मुंह तोड़ उनको जवाब देंगे। हम यहाँ पर, हम दिल्ली में खड़े होकर हाई कमीशन को जवाब देंगे, पाकिस्तान को जवाब देंगे, हाई कमीशन को जवाब देंगे। और ये तस्वीर जहाँ पर आप देख रहे हैं फिलहाल, ये पूरे ट्रक में ये तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच गए। विजेंद्र गुप्ता से बात